तो मैडम प्राइमरी स्टेज हम तो को स्क्रीनिंग केमते करबो तापर हमें कथा बाजार चिकित्सा पद्धति कोन बा ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग रो हमर गोटे गाइडलाइन अछि से हम वी हैव टू फॉलो दैट गाइडलाइन एक जदि गोटे झियो बाहाई सारछि देन फ्रॉम 21 इयर्स ऑनवर्ड द स्क्रीनिंग प्रोसीजर टा स्टार्ट होबो 21 टू अपन 30 इयर्स पर्यंत गोटे टेस्ट थाए पैप्समियर सेटा पैप्समियर होछि आपनकर सर्विक्स पार्टा जो यूट्रस रो तळ पार्टा सर्विक्स रो जहाँ फ्लुइड डिस्चार्ज होछि से फ्लुइड पाखरे आम सर्विक्स पाखरो आम जस्ट से फ्लुइड टा कलेक्ट करबो टू अराउंड द सर्विक्स आम सारो इंस्ट्रूमेंट अच्छे इट इज ए मैंने ओपीडी प्रोसीजर जोटा आम ओपीडी रे बिना एनेस्थेसिया रे पेशेंट को किसी कष्ट हेनी गोटे जनरल चेकअप पर आम से तार कलेक्शन करूँ से गोटे टेस्ट करा हुए तार किसी सेमती कैंसर पर किसी अच्छे कि नहीं सहीटा 21 इयर्स रु स्टार्ट हाँ कथा 21 वर्ष रु 21 वर्ष रु 30 वर्ष भितर सब 3 वर्ष को थे करवा दरकार आउ 30 वर्ष रु 65 इयर्स पर्यंत आपन को सही टेस्ट आयद 3 वर्ष करेंगे ना आउ गोटे एचपीवी जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्टिंग था सेटा प्लस पैप्समियर सब 5 वर्ष को थे करें मैंने टेस्टा बहुत सिंपल पेशेंट को पेनलेस इट्स बेसी कॉस्टली भी नुह बहुत कम दाम कि यहाँ गोटे बहुत बड़ स्टेप 2004 मैडम एचपीवी डीएनए टेस्ट केत्र दरकार पड़ा एचपीवी डीएनए टेस्ट होची आफ्टर 30 इयर्स जो आमे करू छु सेटा ही आपन 5 इयर्स जदि आपन एचपीवी डीएनए टेस्ट आउ छी तदि आमे 5 इयर गैप रे करबा माने एटा कोर्स थाय किछ सम नै कोर्स किछ नै एच माने हमरो एचपीवी वायरस आउ छी डीएनए वायरस तो आमे डीएनए एनालिसिस करी की तारो आमे सिक्वेंसिंग करी की भी आमे डायग्नोसिस करी परबा कोटे पेशेंट इन्फेक्टेड अच्छी कि एचपीवी वायरस द्वारा यदि पेशेंट इन्फेक्टेड ही नहीं तो चांसेस कि तार कैंसर सर्वाइकल कैंसर हेबार चांस बहुत कम किंतु सेटा आफ्टर 30 इयर्स यदि एचपीवी टेस्टिंग अवेलेबल अच्छे सेंटर रे तो सब 5 इयर्स को थरे करी हबो 5 इयर्स तो टाइम टा में बढे दोचो 5 इयर्स जो नॉर्मल पैप्समियाटा 3 इयर्स रे करा हुए सेटा 5 इयर्स किंतु एचपीवी टेस्टिंग सब जगह रे स्पेशली इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जेमती हमर इंडिया सेडी सब जगह रे अवेलेबल हबाटा इट इज डिफिकल्ट सो एटलीस्ट हमें पैप्समियर करि परिबा एचपीवी करले बहुत बेटर ठीक अच्छे सो ए पैप्समियर आउ एचपीवी टेस्टिंग द्वारा बहुत रेट्स कमी जाए परिबो एबे रिसेंटली हमर डब्ल्यूएचओ रो गट गाइडलाइन हमर रिलीज हे छि से एते जिंसटा एते कॉमन आउ एते माने इमर्जेंसी इशू से गोटे टारगेट दे चंदी कि 90% आमे जियो मानन को वैक्सीनेट करबा दरकार आउ 70% स्त्री लोग बाय 30 इयर्स वी शुड डू अ स्क्रीनिंग टेस्ट सो दैट आउ आम एटा को प्रिवेंट आउ ग्रोथ करिवार आम प्रिवेंट करी परिबा आउ पैप्समियाटा एते कॉमन जिनसो सेटा आम एट एनी लेवल माने सीएचसी पीएचसी लेवल रु भी आम करी परिबा आउ ताठु भी आउ गोटे उपाय अछि जोटा आम डॉक्टर दरकार हुए नी सेटा आमर अंगनवाड़ी वर्कर्स आमर स्टाफ नर्स भी करी परिबे ताको आम कहबा वीआईए विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड एटा गोटे सिंपल प्रोसीजर एटा एते तार सेंसिटिविटी माने से रोग जानिबा शक्ति मे बी एते अधिक नथाय पारे किंतु एटा गोटे डॉक्टर नाही एनीवन कैन डू आउ ट्रेन्ड स्टाफ नर्स अंगनवाड़ी वर्कर करी परिबे तो एटा घरे घरे पहुंची परिबो गाँ स्तर रे जोडी लोक आसी पारु नांती बड़ मेडिकल से माने भी ए जिनसटा करी की उपलब्ध फायदा हे परिबो तांको बहुत अमाउंट रे